इंतजार कर रहे हैं। कभी के पैरवे खान ने जवाब हजरत मौलाना सैयद अब्दुल हसन अली नकवी साहब से मैं इंदौर के तमाम आवाम की जानिब से और अपनी जानिब से दस वक्त का गुजारिश करता हूं कि आप माइक में तशरीफ लाएं और अपने जमीन ख्यालात से मजमे को महादर फरमाएं और मुस्तफी फरमाएं। आफ्ताब आमद कहेंगे आफ्ताब। इसका नतीजा यह है
कि मुल्क मौजूद और कौम मौजूद नहीं। मेरे लग्न बड़े कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन मैं सिर्फ पत्थर रखकर कह रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से भी और वतन की हैसियत से भी, लेकिन हकीकत पसंद इंसान की हैसियत से मैं कहने की जरूरत कर रहा हूँ कि मुल्क मौजूद है और कौम मौजूद नहीं। कंट्री मौजूद है लेकिन नेशन, जिसको सही माना में नेशन कहना चाहिए, मौजूद नहीं। हम अपनी जमीन का एक इंच भी दूसरे के कब्जे में देने के लिए तैयार नहीं, और यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। हमें ऐसे ही गैरतार, ऐसे ही मुहिद वतन होना चाहिए, लेकिन हम बेतकल्लुफ अपने ही जिस्म को जख्मी करते हैं, अपना ही बालू काटने के लिए तैयार नजर आते हैं, और हजरात मट्टी में और इंसान के जिस्म में, गोश्त गोश्त में एक जानदार और एक गैरतदार साहिर-ए-ज़मीर इंसान और जमीन के टुकड़े में जो फर्क है उसको बताने की जरूरत नहीं। आप हम सब समझते हैं, जमीन हमारे लिए, हम जमीन के लिए नहीं, मुल्क हमारे लिए, हम मुल्क के लिए नहीं। मैं साफ कहता हूँ, चाहे बात किसी कितनी बुरी लगे, मुल्क की कीमत यह है कि वो हमारी खिदमत करता है, वो हमारे काम आता है। यह हमारी ये कीमत नहीं कि हम मुल्क के पुजारी हैं और हम मुल्क को की एक मट्टी जरा सी एक टुकड़ा एक इंच भी हम उस मुल्क पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं, अपना ही बालू काटने के लिए तैयार नजर आते हैं, अपने ही हाथों अपना घर ढालते हैं, और एक भाई दूसरे भाई का गला काटता है। दोस्तों बुजुर्गों, कोई काम शरीर के बगैर, खतरा और कुर्बानियों के बगैर नहीं हो सकता। कौम की सही तामीर, नेशन बिल्डिंग और इंसानियत का एहतराम और बाहमी एतमाद मोहब्बत पैदा करने के लिए हमको एक मजनूनाना दीवानों की तरह, एक मजनूनाना और सरपोशाना जद्दोजहद की जरूरत है। हिंदुस्तान तारीख के नाजुक मोड़, बहुत ही अहम क्राइसिस पर, तारीख के नाजुक मोड़ और फैसला कुन दौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता हमेशा की तबाही, न मिटने वाले इंतशार और न खत्म होने वाले जवाल की तरफ जाता है। एक रास्ता हमेशा के अमन अमान, शांति, इतिहाद, इत्यादि की तरफ ले जाता है। हर ऐसे मोड़ पर कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो तारीख का रुख और वाकयात का धारा बदल देते हैं। उनकी दिलेरी, उनकी साफगोई और उनकी जाबाजी पूरे पूरे मुल्क और कौम को बचा ले जाती है। यही लोग मुल्क के मेहमान होते हैं, बिल्डर। अक्सर ऐसे लोग सियासत और हुकूमत के ऐलानों से बाहर मुल्क के बेलौस खादिमों और सच्चे रूहानियों, स्पिरिचुअलिस्ट और दानिशवरों में पाए जाते हैं, जिनकी नियतों को शुभा नहीं किया जा सकता। बड़ा मसला नियतों को शुभा करने का है। हमारी सियासत ने कुछ ऐसा एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि बहुत कम नियतों पर इत्मीनान होता है। बार बार के तजुर्बों के बाद अब ये हमें बीमारी पैदा हो गई है कौमी सतह पर कि नियतों पर शुभा होने लगा है, और ये बहुत बड़ा रोग है और बड़े खतरे की अलामत है। इसलिए कि नियतें ही थी जिन पर इत्मीनान करके सारे तामीरी काम दुनिया में हुए हैं, पैगंबरों को भी काम करने का मौका मिला है और